हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था करिकुलम का पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और करिकुलम के डिफरेंसेस के बारे में। सिलेबस और करिकुलम आपके केवीएस पीआरटी के पैडागोजिकल सेक्शन जो कि 60 मार्क्स का आ रहा है उसका एक पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज इस वीडियो में हम करिकुलम को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने करिकुलम की डेफिनेशन समझ ही ली होगी, फिर भी आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि करिकुलम और सिलेबस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस होता क्या है। तो देखिए, सिलेबस क्या है? द सिलेबस इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टॉपिक्स पोर्शन कवर्ड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। किसके टॉपिक्स? उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ाया जाना होता है। तो एक तरीके से सिलेबस क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें कई सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, कई सारे पोर्शन होते हैं, कई सारे चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप खुद ही ले लीजिए कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें आपके देखा जाए तो मैथमेटिक्स का एक सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का एक डिफाइंड सिलेबस है, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ पोर्शंस दिए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं। ऐसे ही आपका हिंदी का देखा जाए तो हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। इसको हम करिकुलम नहीं कह सकते क्योंकि करिकुलम जो होता है एक लॉन्ग टर्म में होता है और सिलेबस जो होता है इसका एक प्रिसाइज टर्म होता है, कुछ ही समय में इसको खत्म करना होता है, ठीक है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। ये क्या है? एग्जामिनेशन बोर्ड जो एग्जाम लेता है आपके, उसके द्वारा लागू किया जाता है, उसके द्वारा बताया जाता है एंड क्रिएटेड बाय द प्रोफेसर्स। और जो प्रोफेसर्स होते हैं उसके द्वारा इनको बनाया जाता है। द प्रोफेसर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द कोर्स। प्रोफेसर्स ही जिम्मेदार होते हैं सिलेबस की क्वालिटी के बारे में। इट इज मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर्स। और ये कहाँ होता है? जब प्रोफेसर्स इसको बना देते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करता है, सिलेबस को जारी करता है जो कि टीचर्स को दिया जाता है। फिर टीचर्स से ही किस पे आ जाता है, स्टूडेंट्स पे आ जाता है, आइदर इन ए हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू ब्रिंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। या तो ये एक हार्ड कॉपी में अवेलेबल करा दिया जाता है या इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टूडेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ए सिलेबस इज कंसिडर्ड एज ए गाइड। ये क्या होती है? गाइड होता है, ठीक है, टू द इन चार्ज एज वेल एज द स्टूडेंट। मतलब किसी भी टीचर्स को किसी भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, उसकी एक गाइड होता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कब तक ख़त्म करना है, ठीक है। तो एक गाइड की तरह वर्क करता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट इन डिटेल। तो ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है सब्जेक्ट को डिटेल में समझने के लिए। वाई इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। वाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फेलर। इट कंटेन्स जनरल रूल्स, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शन, टॉपिक्स कवर्ड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, टेस्ट डेट्स एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है जनरली, इसमें कुछ सामान्य नियम, कुछ पॉलिसीज, कुछ इंस्ट्रक्शन यानी आदेश होते हैं जो, और कुछ टॉपिक्स जो कवर करने होते हैं, कुछ असाइनमेंट बच्चों को कब क्या देना है, प्रोजेक्ट क्या देना है बच्चों को, और टेस्ट डेट यानी उनका मूल्यांकन कब करना है, ये सारा इस चीज़ में कवर होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर डिफरेंस को समझने के लिए मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। द करिकुलम इज डिफाइंड एज द गाइडलाइन ऑफ द चैप्टर्स एंड एकेडमिक कंटेंट कवर्ड बाई एन एजुकेशनल सिस्टम वाइल अंडर गोइंग ए पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम एक गाइडलाइन होती है किसकी, चैप्टर्स की और एकेडमिक कंटेंट की जो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम द्वारा कवर किए जाते हैं। जब कब? वाइल अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ प्रोग्राम। जब किसी भी प्रोग्राम या कोर्स को कोई भी एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च करता है तो वो क्या करता है, उस प्रोग्राम की या कोर्स की वो गाइडलाइन देता है, गाइडलाइन देता है चैप्टर्स की और एकेडमिक कंटेंट की कि इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई बीएड का प्रोग्राम आया, तो बीएड के प्रोग्राम में
उसकी जो भी एजुकेशनल सिस्टम होगा वो क्या करेगा, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि बीएड मान लीजिए 2 साल का होता है, मान के लीजिए 2 साल का होता ही है, तो उस 2 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन से चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, क्या क्या एकेडमिक कंटेंट रहेगा, कब प्रैक्टिकल होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जो एक तरीके से ढांचा होता है वो सारा कवर किया जाता है करिकुलम में। तो करिकुलम इज अ वाइड कंसेप्ट, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। और जो सिलेबस है एक तरीके से एक संकीर्ण कंसेप्ट है, एक छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि करिकुलम क्या है, एक गाइडलाइन है चैप्टर्स की और एकेडमिक कंटेंट की जो किसी भी एजुकेशनल सिस्टम द्वारा कवर्ड किया जाता है किसी भी कोर्स या प्रोग्राम के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जबकि हमने सिलेबस में क्या बताया था, सिलेबस क्या होता है, अब देखो सिलेबस एक किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट होता है, और ये क्या है करिकुलम, क्या करिकुलम एक प्रोग्राम का कंटेंट है। प्रोग्राम मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए कोर्स है आपका, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, कितना टोटल टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है वो करिकुलम में होता है। जबकि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस एक सब्जेक्ट का होता है, सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए होते हैं कि किस टीचर को क्या टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं। तो ये क्या हो गया, करिकुलम एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी करिकुलम और सिलेबस में। अब यहाँ पर देखिए, इन अ थ्योरेटिकल सेंस करिकुलम रिफर्स टू व्हाट इज ऑफर्ड बाय द स्कूल और कॉलेज। अगर हम एक थ्योरेटिकल सेंस में देखें, एक सिद्धांत के सेंस में देखें, तो करिकुलम रिफर्स टू द व्हाट इज ऑफर्ड बाय द स्कूल। करिकुलम क्या होता है कि स्कूल आपको क्या दे रहा है, कॉलेज आपको क्या दे रहा है, वही क्या होता है करिकुलम होता है। पार्टिकुलरली इट हैज़ अ वाइडर स्कोप विच कवर्स द नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनर, परफॉर्मेंस, स्किल दैट आर इम्पार्टेड और इनकलकेटेड इन ए स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या क्या चीज़ कवर्ड होती है, ये एक वाइडर स्कोप रखता है जिसमें क्या क्या कवर होगा, नॉलेज आपकी देखी जाती है, इसमें नॉलेज इंक्लूड होती है करिकुलम में, आपका एटीट्यूड इंक्लूड होता है, बिहेवियर इंक्लूड होता है, मैनर्स आपका तरीके आपके ढंग इंक्लूड होते हैं, परफॉर्मेंस आपकी क्या परफॉर्मेंस रही ये सारा इंक्लूड होता है, और स्किल्स आपकी क्या रही वो सारी चीज़ें इस करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो करिकुलम में आप देखते होगे ना कि इसमें आपकी केवल नॉलेज ही चेक नहीं की जाती, करिकुलम में आपका एटीट्यूड, क्योंकि आप देखते होगे कुछ जो मार्क्स होते हैं वो आपके बिहेवियर के होते हैं, कुछ एटीट्यूड के मार्क्स होते हैं, कुछ आपने जो मैनर्स आपके अपने टीचर्स के प्रति होते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं, आपने कैसी परफॉर्मेंस की है, कैसे नंबर लेके आए हैं, और स्किल्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। आपने देखा होगा कि जो करिकुलम होता है उस कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जिससे आपकी स्किल्स पता पड़ती हैं कि आपके अंदर किस प्रकार की स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं किसमें, करिकुलम में ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द टीचिंग मैथड्स, इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाना है, ठीक है, लेसन्स, असाइनमेंट, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल्स, प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें कवर्ड होती है। देखो यही मैं बात करते हुए आ रहा हूँ आपका कि करिकुलम एक ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पर हो गया, इसमें आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, प्रोजेक्ट्स, स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल्स, प्रेजेंटेशन आपका, असेसमेंट जो आपका मूल्यांकन भी इसमें कवर्ड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज यानी जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा टाइम टू टाइम, ये सब किस तरीके से लिया जाएगा, और आपके जो आपका उद्देश्य क्या है इस कोर्स को सीखने का, इस प्रोग्राम को सीखने का, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया था कि सिलेबस एक पार्टिकुलरली सब्जेक्ट का होता है, और उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाना है, कब पढ़ाया जाना, वो होता है सिलेबस किसी सब्जेक्ट का। और अगर प्रोग्राम का अगर हम बात करें, प्रोग्राम के एकेडमिक कंटेंट के बारे में बात करें, प्रोग्राम में के गाइडलाइन के बारे में बात करें कि प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कितने साल का होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, ये सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में, ज़्यादा ना जा करके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लें मीनिंग, मीनिंग क्या है करिकुलम की, सिलेबस की। तो सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कंसेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। मतलब सिलेबस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के कंसेप्ट कवर्ड किए जाते हैं, यानी सब्जेक्ट के टॉपिक कवर किए जाते हैं, सिंपल सी बात है।
करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और ए कोर्स। करिकुलम क्या होता है? एक ओवरऑल कंटेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था ओवरऑल मतलब इसमें जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की या किसी भी कोर्स की। तो करिकुलम बेसिकली किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का होता है या किसी कोर्स के लिए होता है, जबकि सिलेबस एक पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए होता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। सिलेबस इज ए ग्रीक टर्म और करिकुलम क्या है? एक लैटिन टर्म है, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट के लिए होता है, ये कोर्स के लिए होता है। सिलेबस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और आपका करिकुलम जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। तो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव? देखिए डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी की जानी है, ठीक है, क्या क्या हमें स्टडी करना है किसी भी सब्जेक्ट में, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें स्टडी करनी है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपको कैसे स्टडी करनी है वो चीज़। स्टडी तो करनी है, वो तो सिलेबस हो गया, लेकिन हाउ डू वी स्टडी, हम उसको स्टडी कैसे करेंगे, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, कब हमें इसका असेसमेंट करना है, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब सिंपली कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि हमें कैसे पढ़नी है, ठीक है, ये हो गया प्रिस्क्रिप्टिव। स्कोप क्या होता है? इसका नैरो होता है, इसका वाइड स्कोप होता है। सिंपल सी बात, एक नैरो कंसेप्ट है सिलेबस और ये एक वाइड कंसेप्ट है करिकुलम, समझ गए होगे आप। ये एक एग्जाम बोर्ड द्वारा सेट आउट कर दिया जाता है और ये जो करिकुलम होता है वो गवर्नमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी स्कूल का, वो इसको जारी करता है, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए मैक्सिमम मैं तो जो गवर्नमेंट स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे एनसीईआरटी हो गई, एनसीटी हो गई, यही इसको जारी करती हैं अपने इंडिया में। टर्म क्या है? फॉर ए फिक्स टर्म नॉर्मली ए ईयर, मतलब ये एक साल के लिए होता है, एक फिक्स टर्म के लिए होता है, जनरली सिक्स मंथ या वन ईयर के लिए होता है। टिल द कोर्स लास्ट, जैसे मान लीजिए बीए है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको पता है हमारे इंडिया में 3 साल का है, तो जो 3 साल का जो होगा वो एक करिकुलम में शामिल हो जाएगा कि 3 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कब पढ़ाए जाएंगे, किस ईयर में कितने सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम कब लेना है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं करिकुलम में। ये एक फिक्स टर्म के लिए होता है कि हाँ ये सिलेबस है, आपको इतने टाइम में 6 मंथ में या 1 ईयर में इसको फिनिश करना है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, टीचर टू टीचर मतलब ये जो है टीचर टू टीचर वेरी करता है, और ये सेम फॉर ऑल टीचर्स। देखो यहाँ पे सिलेबस जो होता है, सिलेबस बेसिकली देखा जाए तो अब तो फिक्स होने लगा है कि हाँ आपको यही चीज़ें पढ़ानी है, टीचर टू टीचर वेरी नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये जो करिकुलम होता है ये सभी टीचर्स के लिए सेम होता है। अब देखो यहाँ इन द सेंस हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो आपका, अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में बात करें, वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर मतलब कोई अगर हिंदी का टीचर है उसका सिलेबस अलग होगा, गणित का टीचर है उसका सिलेबस अलग होगा, इंग्लिश का टीचर है उसका सिलेबस अलग होगा, लेकिन करिकुलम जो है सभी टीचर्स के लिए सेम होता है कि आपको इतने मार्क्स का ये लेना है और ये इतने टाइम में कराना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये रहे आपके डिफरेंस किस में, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम और सिलेबस। तो आई थिंक आपको सिलेबस का टॉपिक कवर हो गया होगा और करिकुलम के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने ओवर्ट करिकुलम और हिडन करिकुलम जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक पार्ट, एक टॉपिक और रह गया है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, उसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स। तो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं। तो पहला जो टाइप है वो है लर्नर सेंटर्ड मॉडल, जिसमें बेसिकली हम एक तरीके से कह सकते हैं जो लर्नर्स होता है उस पर केंद्रित होता है, ठीक है, यानी लर्नर जैसे मान लीजिए बच्चे पर केंद्रित होगा ये। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन मतलब एक होता है कि विषय केंद्रित, और ये हो गया प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन मतलब समस्या केंद्रित मॉडल। तो ये 3 प्रकार के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, इन 3 डेवलपमेंट मॉडल्स को लेकर के हमें करिकुलम डिज़ाइन करना होता है। तो पहला है लर्नर सेंटर्ड मॉडल। तो लर्नर सेंटर्ड जो डिज़ाइन होती है करिकुलम की, उसमें क्या होता है, देखो उसमें बेसिकली आपका
यहाँ पर देखो, द लर्नर सेंटर्ड डिजाइन फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ईच लर्नर हैज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें ये देखा जाता है, इसमें फोकस किया जाता है कि यहाँ पर हर एक बच्चे की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है लर्न करने की, वो अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, इसी चीज को देख करके जो है करिकुलम डिजाइन किया जाता है। दैट टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स आर गिव अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू टेक ओनरशिप ऑफ ए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, टीचर्स और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी असाइनमेंट के ओनरशिप की, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, क्या किस विषय में आपकी रुचि है। तो एक तरीके से उनके भी राय ली जाती है, लर्नर्स की भी राय ली जाती है। दे एक्वायर टू क्रिएट चांसेस फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग विद वेल रेगुलेटेड लिबर्टी। तो इसमें बेसिकली ये कह सकते हो कि जो विद्यार्थी केंद्रित जो आपका करिकुलम होता है, उसमें जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग के चांस दिए जाते हैं किसको, लर्नर्स को, यानी विद्यार्थियों को, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द स्टूडेंट टेक ए मोर एक्टिव रोल इन द क्लासरूम। मतलब जब करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उसमें जो लर्नर है वो एक तरीके से एक्टिव रोल प्ले करेगा किसी भी क्लासरूम में, ठीक है। ये बात हो गई लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन की। हम बात कर लें अब सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन। तो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन क्या होता है, इसमें विषय केंद्रित डिज़ाइन होती है। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्या है, एक पुराना मेथड है, ठीक है, टू करिकुलम दैट फोकसेस ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट और मैटर और डिसिप्लिन रादर देन ऑन द इंडिविजुअल। तो ये क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करता है कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या रखना चाहिए, इसमें किसी भी और बच्चे के बारे में सोचे बिना किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचा जाता है। एडिशनली ड्यूरिंग द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस दिस अप्रोच इंक्लूड्स 4 सब टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 टाइप्स की कुछ सब डिज़ाइंस होती हैं। तो पहली डिज़ाइन है सब सब्जेक्ट एरिया डिज़ाइन, फिर है डिसिप्लिन डिज़ाइन, ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन एंड कोरिलेशन डिज़ाइन। तो इसमें जो पहली डिज़ाइन होती है वो सब्जेक्ट एरिया की, सब्जेक्ट का क्या एरिया रहेगा, डिसिप्लिन क्या रहेगा, ठीक है, ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन इसमें क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे इसके, और कोरिलेशन डिज़ाइन इसका किस किस चीज़ से संबंध रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन की बात करें, तीसरा जो होता है उसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें बच्चा किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी स्किल्स के बारे में उसको डिफाइन किया जाता है इस करिकुलम में। थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और किस तरीके से सोचेगा, किसकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होगी, उसके बारे में इसको ध्यान में रखा जाता है इसको डिज़ाइन करते टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है कि करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से डेवलप होता है। तो इसमें कई सारे स्टेजेस होती हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी 6 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज जो होती है असेसिंग द एजुकेशनल नीड, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वास्तव में हमें नीड क्या है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्ट एंड लर्निंग गोल्स, फिर हम क्या करेंगे, अपने उद्देश्य बनाएंगे, अपने लर्निंग गोल्स को सेट करेंगे। फिर क्या है, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करेंगे, जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे अधिगम अनुभव हैं, उनका सिलेक्शन करेंगे इसको, इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, कि हमें कौन कौन से अधिगम अनुभवों को इसमें शामिल करना चाहिए इन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। फिर क्या, सिलेक्टिंग द रिच एंड वैल्यूएबल कंटेंट थ्रू विच टीचर्स कैन ऑफर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक रिच और वैल्यूएबल कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके द्वारा कोई भी टीचर अधिगम अनुभव को बता सकता है, ऑफर कर सकता है। तो कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या क्या चीज़ शामिल करनी है, वो हम फोर्थ स्टेज में शामिल करेंगे। यानी कंटेंट जो आता है आपका फोर्थ स्टेट में आता है, ध्यान रखना। पहले स्टेट में नीड्स आ जाएगी, दूसरे में ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स आ जाएंगे, तीसरे में लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएंगे, चौथे में उन लर्नर लर्निंग एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए हमें क्या कंटेंट ऐड करना है वो आ जाएगा। 5 में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद रिलेवेंट कंटेंट कीपिंग इन माइंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब 5 में क्या हो जाएगा, हम इसमें आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, विद रिलेवेंट कंटेंट कीपिंग इन माइंड। मतलब हमें केवल वही चीज को अपने माइंड में रखना है जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को
की पूर्ति कर सके, मतलब हमारे शैक्षिक उद्देश्य किन किन लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब अधिगम अनुभवों से पूरे हो रहे हैं उनको हम ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग फिफ्थ स्टेज में आता है। ये स्टेज ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहली स्टेज आपकी नीड्स हो गई, दूसरी स्टेज लर्निंग गोल्स हो गई, तीसरी स्टेज क्या हो गई, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब हमें कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है। चौथी क्या हो गई, एडिशन ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट मतलब हमें कौन कौन से वैल्यूएबल कंटेंट को ऐड करना है। फिफ्थ स्टेज है ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब अधिगम अनुभवों को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है, जो हमारे लिए सुटेबल हो। द लास्ट वन स्टेज इज टाइमली एंड एक्यूरेट एवेल्यूएशन मतलब लास्ट स्टेज हो गई एवेल्यूएशन। सिंपल सी बात है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको चार्ट बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, तो पहली स्टेज हो गई नीड्स की, द सेकेंड वन स्टेज हो गई लर्निंग गोल्स, यानी इसमें क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किन किन शैक्षिक उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है। थर्ड जो स्टेज आपकी हो गई वो आपकी हो गई लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तो फोर्थ वन स्टेज जो आपकी हो गई वो रिच एंड वैल्यूएबल कंटेंट, रिच यानी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कह सकते हो, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यहाँ पर कह सकते हो, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ठीक है, एंड द फिफ्थ स्टेज यहाँ पे हो जाएगी ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस यानी अधिगम अनुभवों को इकट्ठा करना है। लास्ट वन स्टेज क्या हो जाएगी, इवेल्यूएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन या करिकुलम डेवलपमेंट बात एक ही है, तो इनके बारे में भी आपके टॉपिक्स में दिया गया, तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कौन कौन से होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज, मोरालिटीज, फिलोसफीज दैट विल बेनिफिट टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द होल एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम हैं वो इसके नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, मोरालिटीज क्या हैं, फिलोसफीज क्या है, जिससे कि उस एजुकेशनल सिस्टम के शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो सकें, लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे कुछ नैतिक नियमों को, कुछ जो वैल्यूज़ हैं, तौर तरीके हैं, रूल्स हैं, फिलोसफीज़ हैं, दर्शन शास्त्र है, यानी जो कुछ दर्शन हैं उनको भी हम शामिल करेंगे जिससे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और होल एजुकेशन सिस्टम को लाभ मिल सकें। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल कंटेंट ही शामिल करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है वाइल डेवलपिंग करिकुलम। ठीक है, द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, तो फर्स्ट वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, द सेकेंड वन इज चाइल्ड सेंटर्डनेस, फिर है कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी, करेक्टर फॉर्मेशन, मेंटल डिजाइन एंड सोशल फुलफिलमेंट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या है, देखो, इसमें जो हमारा करिकुलम होता है उसमें सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट ही इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए स्टूडेंट गेंस थ्रू सेवरल करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब इसमें आपके जो विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं किसके द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जो सेवरल करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा जो विद्यार्थी अनुभवों को प्राप्त करेगा वो भी चीज़ें करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें बच्चों के अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस मतलब विद्यार्थी केंद्रित, मतलब जो भी करिकुलम होना चाहिए वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, सिंपल सा मीनिंग है इसका। ठीक है, तो करिकुलम इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द प्री डिटरमाइंड करिकुलम, इंस्ट्रक्टर मस्ट कंसीडर द चाइल्ड कंसर्न्स, मतलब चाइल्ड्स कंसर्न मतलब चाइल्ड की रुचि किसमें है, चाइल्ड के मोटिव क्या है, चाइल्ड की नीड्स क्या है। ठीक है, मोटिव और नीड्स के बारे में को ध्यान में रख करके जो है करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी।
तो इसमें क्या है, वाइल डेवलपिंग ए करिकुलम इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट वुड हेल्प कंजर्व कल्चरल हेरिटेज। मतलब करिकुलम में वो भी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, जो हमारे देश की या जहाँ पर हम रहते हैं उस कंट्री की कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने में हेल्प कर सके, ठीक है। फर्दर मोर, वन ऑफ द मोस्ट इंसेंसिव प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज दैट द करिकुलम कैन नॉट बी स्टेटिक। ये एक स्टेटिक नहीं होना चाहिए, एक स्थिर नहीं होना चाहिए, ये विद द डिमांड ऑफ द कंट्री या विद द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन का रूल यहाँ पे लागू होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको एक तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिमांड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट शुड बी सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट अलाइन। मतलब देखो यही वही कह रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन होना चाहिए जिस तरीके की जरूरत आपको पड़े, विद द चेंजिंग ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड, यानी जो ग्लोबली एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहा है और स्टूडेंट्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, द करिकुलम शुड बी प्लान इन सच ए वे दैट वेरी सब्जेक्ट कुड बी एडिड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मतलब कई सारे सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है। तो ये तो अभी चल ही रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का, मतलब ठीक है आपने देखा होगा एक बच्चा हिंदी पढ़ता है, मैथ पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो कई सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहा है। आगे हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखो वही चीज़ है कि स्टैटिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो ग्लोबलाइजेशन अभी चल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सर्विंग द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब जो जो किसी भी सोसाइटी के या किसी भी बच्चे की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू विच एजुकेटर्स मस्ट इंक्लूड कंटेंट दैट इज यूजफुल टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब यह है यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि उपयोगिता क्या है इसकी, तो उपयोगिता क्या है, उपयोगिता होनी चाहिए क्या, जो किसी भी बच्चे के शैक्षिक उद्देश्यों और सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, रिच और वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करना चाहिए जो कि बाद में उसकी लाइफ में काम आए, बच्चे की लाइफ में काम आए। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, जो गोल होना चाहिए करिकुलम का, इज जस्ट नॉट एजुकेटिंग लर्नर्स, मतलब केवल लर्नर्स को एजुकेट करना ही नहीं, ठीक है, मतलब केवल बुकिश नॉलेज को आप, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बुकिश नॉलेज सिखा दो, किताबों की नॉलेज दे दो, वही उसका एक गोल है। इट शुड आल्सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी, मतलब इसका करिकुलम में वो भी चीज़ें शामिल करनी चाहिए फॉर्मेशन करते टाइम जिससे किसी भी बच्चे का एनकरेजमेंट हो सके और डेवलपमेंट हो सके, किसका, करेक्टर और पर्सनैलिटी का, ठीक है। आगे हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट टास्क ऑफ द करिकुलम इज टू फॉस्टर लर्नर्स वेरियस मेंटल फैकल्टीज और पावर्स थ्रू कॉग्निटिव लर्निंग ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें करिकुलम में हमें ऐसी भी ऐड करनी चाहिए जो बच्चे की कॉग्निटिव ट्रेनिंग, मतलब जो मस्तिष्क से संबंधित है, मेंटल ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करा सके, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा सोचने को, समझने को, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में थिंकिंग करने के लिए, एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं अपसारी चिंतन करने के लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए बच्चा विवश हो जाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट, मतलब सोशल फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, समाज के काम आ सके, समाज की नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। तो एजुकेशन एम टू प्रोवाइड द ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब जो एजुकेशनल एम्स होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो क्या प्रोवाइड करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी स्टूडेंट्स को थ्रू कॉम्प्रेसिव टीचिंग स्टाइल्स एंड कंटेंट, ठीक है। मोर ओवर द करिकुलम शुड आल्सो कंसिडर एडिंग द एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ, मतलब सोशल लाइफ का भी कुछ एलिमेंट इसमें ऐड होना चाहिए, सो दैट लर्नर्स कुड गेन इनसाइट और इन टू बिकमिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिससे कि बच्चे आने वाले समय में क्या कर सकें, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। सो दिस इज द लास्ट ऑफ द वीडियो, इसमें हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है, यानी
आपका जो टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम वो हमने डिफाइन कर लिया। टाइप्स ऑफ करिकुलम स्पेशली ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम हमने डिफाइन कर लिए हैं पिछले वाले वीडियो में। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन हो ही चुके हैं, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया है। अब इसी के साथ अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो अगला टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।